नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि कल कौन से स्टॉक्स पर हमें ट्रेड लेना है, प्लस निफ्टी बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। तो जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि कल मैंने 5 स्टॉक्स दिए थे, आयोनेक्स एक्सचेंज वो दिया था, तो उसका तो प्रॉबेबली हमारी रेंज में नहीं आया कि हम लोग बाय कर सकें। नौकरी का टारगेट अचीव हो गया था। सेंचुरी टेक्सटाइल का भी एक टारगेट अचीव हो गया था और उसके बाद वो दोबारा नीचे आ गया था। MEGH का भी टारगेट अचीव हो गया था और रिलायंस का भी हो गया था। बट मैं टेलीग्राम पे कल पोस्ट नहीं कर पाया था क्योंकि मेरा फ़ोन अपडेट हो गया था रात को ही, और जब मैंने सुबह चेक करा तो वो अपडेट ही दिखा रहा था, फ़ोन ऑन नहीं हो रहा था, तो उस वजह से मैं नहीं कर पाया था। बट कल प्रॉबेबली हम लोग दोबारा कर लेंगे और कल आज के स्टॉक्स में आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब बात करते हैं कि कल कौन से स्टॉक्स में ट्रेड करना है, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी का क्या सिनेरियो रह सकता है। आज की इस वीडियो में, जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में करते थे कि मैं एक वीडियो पे 5 शेयर लेकर आता था, तो उसमें से कुछ शेयर के बारे में आपको कुछ पैटर्न सिमिलर होते थे और मैं आप लोगों को बताता था ये पैटर्न बन रहा है और थोड़ा बता भी देता था। तो आज की इस वीडियो में 5 स्टॉक्स आपको बताए जाएंगे, तो 5 स्टॉक्स में से 3 स्टॉक में हम एक ही पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे और उन पैटर्न को समझेंगे, और आपको जब आप अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे जाएंगे तो वही पैटर्न्स आपको आइडेंटिफाई खुद भी करने होंगे, और आप फिर मुझे टेलीग्राम पे पर्सनली भेज भी सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक मैं लेकर आया हूँ रेमंड बाय करने की सलाह दी जाएगी आप लोगों को। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अभी एक चैनल के अंदर काम कर रहा है, एक सिमेट्रिकल चैनल के अंदर काम कर रहा है, प्रॉबेबली इसका ब्रेकआउट आ सकता है एट अ मैटर ऑफ टाइम। दूसरी बात, आप देख सकते हैं एक फॉल आई, एक अपमूव आई, एक फॉल आई, यहाँ डबल बॉटम बना है, उसके बाद दोबारा ऊपर जा रहा है और अब इस रेंज में है, ठीक है। अब यहाँ पर अभी इसने जाके क्लोजिंग दी है, तो ये पहला पैटर्न है जिसके बारे में मैं आप लोगों को मैं आज बता रहा हूँ। इस पैटर्न जो डबल बॉटम पैटर्न है उसके हिसाब से मैं आज आपको 3 स्टॉक्स रिकमेंड करूँगा, और आपको स्टडी भी करना है क्या वो 4 स्टॉक्स अचीव होते हैं अपने टारगेट तक या नहीं होते हैं। तो मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ी सी वीडियो लंबी जाएगी बट डेफिनेटली कुछ सीखने को मिलेगा। देख सकते हैं मैं एक बार इसे ना यहाँ से हटा देता हूँ, हम इधर आ जाते हैं, ठीक है। देख सकते हैं डबल बॉटम कुछ इस तरीके का होता है, ये डबल बॉटम होता है, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट नहीं बनता है कभी भी, डबल बॉटम बनने के लिए ऐसा भी बन सकता है थोड़ा सा नीचे हो जाए या थोड़ा सा ऊपर हो जाए, परफेक्ट ज़्यादातर नहीं बनते हैं। तो आप डबल बॉटम कंसिडर कर सकते हैं, ये डबल बॉटम हो गया, अब ये ऊपर बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बाय करना इज अ रिस्की ट्रेड, क्या पता ये नीचे की तरफ ब्रेक कर जाए, क्योंकि ये एक बार सपोर्ट ले चुका है, हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स पीछे भी ले रखा हो, तो यहाँ पर बाय करना रिस्की होता है। अब दो तरीके होते हैं डबल बॉटम पे ट्रेड करने के लिए, वो क्या तरीके होते हैं, जब शेयर ऊपर बढ़ रहा हो तो दो तरीके होते हैं, एक होता है रिस्की ट्रेडर्स के लिए ट्रेड करने का सेटअप, एक होता है सेफ ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। मैं दोनों बता देता हूँ। रिस्की ट्रेडर्स के लिए क्या होता है, यहाँ पर आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन खींची, ट्रेंड लाइन खींचते हुए आपने एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने के बाद जब यहाँ ब्रेकआउट दिखे, यहाँ से जब एक ब्रेकआउट दिखे, एक कैंडल की क्लोजिंग कह रहा हूँ मैं, विक नहीं, जो विक होती है ना ये होती है जैसे, तो ये विक नहीं कह रहा हूँ मैं, जब कैंडल की बॉडी ऊपर क्लोज करे तो अब आपको यहाँ पर बाय इनिशिएट कर लेना है, ठीक है। आपका जो टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट ये होगा, इस टारगेट पे आप 50% क्वांटिटी एग्जिट कर दीजिए। सेकंड टारगेट आपका होगा यहाँ पे, यहाँ पर अपनी होल क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। ये होता है रिस्की ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। अब सेफ ट्रेडर्स के लिए क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। सेफ ट्रेडर्स के लिए होता है जब स्टॉक पूरा ऊपर चले जाए और स्टॉक अपने इस रिट्रेसमेंट लेवल पे हो, इस वाले लेवल पे, और जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे तब आप बाय बना सकते हो। इसके ऊपर क्लोजिंग भी ना दे, अगर इसी लेवल पे हो और आप कोई सेटअप देखते हो, कोई भी सेटअप, और आपको लगता हो कि इवेंचुअली ब्रेकआउट आ सकता है, तब आप यहाँ पर बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आपका टारगेट होगा ये लेवल, ठीक है। आपने यहाँ ब्रेकआउट पे बाय करा और आपका टारगेट हो गया ये लेवल, ठीक है। ये होता है सेफ ट्रेडर्स के लिए। तो इस तरीके से आप लोग काम करके चल सकते हैं डबल बॉटम पे। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि यार डबल बॉटम इसे मैं कंसीडर नहीं करूँगा। भाई इससे भी आप डबल बॉटम कंसीडर कर सकते हो, ठीक है। या डबल बॉटम कुछ इस तरीके का बनता है,
तो मैं इसको डबल बॉटम नहीं कंसीडर करूंगा क्योंकि स्टॉक यहां तक आया ही नहीं। आप अगर ये इतना डिफरेंस आपको अभी ज़्यादा लग रहा होगा बट अगर इतना सा डिफरेंस होता है तो आप लोग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो क्योंकि ये डबल बॉटम का साइन होता है। ठीक है, अब मैं आपको लाइव चार्ट्स में बताऊंगा। अभी तीन एग्जांपल मैंने सेलेक्ट करे हैं ढूंढ के, तो उस बेसिस पे मैं अब आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहला था रेमेंट। रेमेंट पे आप देख सकते थे एक फॉल आई, एक हल्का सा रिट्रेस आया और दोबारा नीचे आया। अगर मैं अभी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता हूँ तो ये ब्रेकआउट आज के दिन आ चुका है, ठीक है, बट क्लोजिंग इसने एग्जैक्ट इस लेवल पे दी है, इस लेवल पे क्लोजिंग दी है। अब इस यहाँ पर मुझे चांसेस लग रहे हैं कि ब्रेकआउट आ सकता है, कल नहीं आया तो परसों तक ब्रेकआउट आ सकता है, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बाय करने की सलाह दे रहा हूँ। अब मेरा जो टारगेट होगा वो टारगेट प्रॉबेबली क्या होता, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। टारगेट होगा ये टॉप। अब देखिए हर चीज़ आप एग्जैक्ट परफेक्टली लेकर नहीं चल सकते। अब ये रेड कलर की लाइन देख रहे हैं, ये मैंने क्यों बनाई है, मैंने देखा कि यार यहाँ रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ तक स्टॉक आ जाए, इस रेड लाइन तक आ जाए, ये यहाँ तक पहुँचे ना और रिवर्स कर जाए, तो सेफली मैं यहाँ पर बाय बनाऊंगा और ये मेरा टारगेट होगा। ठीक है, 10-12 रुपए का टारगेट है तो प्रोबेबली परसेंटेज वाइज भी अच्छा टारगेट ये देकर जा सकता है क्योंकि स्टॉक ट्रेड कर रहा है 280 के आसपास। ठीक है, और एग्जांपल्स देता हूँ, ये वैसे कल के लिए बाय है। अब लेते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट। ठीक है, अब अल्ट्राटेक सीमेंट को देखेगा कि सिमिलर है, स्टॉक नीचे आया, हल्का सा रिट्रेस पुल बैक दिया, फिर नीचे आया, डबल बॉटम है। अगर मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो यहाँ पर हमारे लिए सिग्नल आ गया था कि भाई यहाँ पर बाय बना लो, तो ये मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते थे। ठीक है, बट हम हर चार्ट्स को तो देख नहीं सकते, हमने मूवमेंट नहीं कैप्चर करी। आज इसमें अच्छी मूवमेंट आई तो मेरे स्टॉक रेडार में आया। अब इसका ब्रेकआउट भी दे चुका है, ये देख रहे हो, इसका भी ब्रेकआउट दे चुका है, तो कल क्या हो सकता है, दो सिनेरियो हो सकते हैं। अगर इतना बड़ा ब्रेकआउट से बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाता है शेयर तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो कि दोबारा ऊपर जाएगा अगले दिन, या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि यहाँ पर एक हॉल्ट कैंडल बना देगा, ठीक है, और अगले दिन ब्रेकआउट आ सकता है। कल नहीं आया तो परसों ब्रेकआउट आ सकता है। ठीक है, तो इसे अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अगर कल ब्रेकआउट नहीं आता, कल बाय करने का चांस नहीं मिलता, तो आप 3 बजे के करीब देखिए कि क्या ये शेयर ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरा और ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अगर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो अगले दिन ब्रेकआउट आ जाएगा। ये थोड़े बहुत सेंटीमेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान लगाने चाहिए। अब यहीं पर मैं बाय की सलाह क्यों दे रहा हूँ, इस ये इंपॉर्टेंट लेवल क्यों हुआ, एक तो यहाँ रेजिस्टेंस था, जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था वो नीचे आके रेजिस्टेंस बना, ठीक है, और फिर नीचे आके इसने ब्रेकआउट भी दे दिया। अब यहाँ पर आप देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस का काम करता था, ब्रेकआउट दिया तो फर्स्ट टाइम इसने करा, सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम ब्रेक कर गया और नीचे चला गया। सिमिलर यहीं पर भी हुआ, यहाँ सपोर्ट लिया फर्स्ट टाइम तो रीटेस्ट करा, सेकंड टाइम ब्रेकआउट दिया, ऊपर जाएगा। तो ये हमारे टारगेट्स होंगे, ये देखिए ये हमारे टारगेट्स हैं और ये हम तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब टारगेट बहुत ऊपर है तो इंट्राडे में तो आएगा नहीं। अब मैं करता हूँ स्विंग ट्रेड तो परफेक्टली मेरे लिए टारगेट आ सकता है। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप अपने चार्ट्स में जाइएगा, कुछ इस तरीके से सिमिलर पैटर्न मिले। अभी मैं नहीं कहूँगा कि डबल टॉप को ढूंढिए, डबल बॉटम को ही ढूंढिएगा। मैं कल कोशिश करूँगा कि वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं डबल टॉप के स्टॉक्स को सेलेक्ट करके लाऊँ। ठीक है, हर दिन कुछ लर्निंग मेरी वीडियो से डेफिनेटली मिलती है। मैं स्टॉक्स आपको बार बार बताने के लिए भी नहीं देता कि आप खरीदो, मैं सिखाने के लिए भी देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं, एक्साइड इंडिया। और गाइस हाँ, अभी मैं ये वीडियो थोड़ी जल्दी अपलोड कर दूंगा, 9:30 बजे से पहले ये वीडियो आ गई होगी, और 9:30 बजे के करीब मैं एक और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, वो है फायर्स के ऊपर। फायर्स जो एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जीरोधा और फायर्स और जैसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, उसकी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं जनरली जीरोधा से फायर्स में शिफ्ट कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे ऐसा क्या खास लगा, क्या फीचर्स अच्छे लगे और मैं क्यों शिफ्ट कर रहा हूँ, क्या रीज़न था, वो वीडियो ज़रूर देखना। और मैं डेफिनेटली उस वीडियो को आपको देखकर कुछ समझ में आएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उस वीडियो में कमेंट या लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर स्टॉक पे आते हैं। अब स्टॉक पे आप देखिएगा कि यहाँ पर ये मल्टीपल बार सपोर्ट्स ले रहा है। ठीक है, यहाँ देखिएगा, यहाँ से एक मूवमेंट आई है, एक ट्रेंड लाइन मैंने और ड्रॉ कर दी है टॉप्स को मिला के। अब ये बात देखिए, जब मैंने अभी दो स्टॉक्स आपको बताए, वो मैंने बताए सेफ ट्रेडर वाले। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूँ, रिस्की ट्रेडर वाले। स्टॉक नीचे आया, एक पुल बैक दिया, दोबारा नीचे आया, दोबारा ऊपर जा रहा है, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ करी, इसका आज ब्रेकआउट दिया था बट विक आई है।
बट इवेंचुअली एक स्ट्रांग मूव के बाद, एक इतनी बड़ी मूव के बाद दोबारा मूव आना 10 में से 2 या 3 ट्रेड में आता होगा, पर 7 ट्रेड को कैप्चर करना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, 7 ट्रेड को। तो ये उनमें से एक है, एक स्ट्रांग मूव आई है, 2 दिन तक हॉल्ट कर रहा है, ठीक है, जो इसका हाई था, हाई के नीचे ही है ये, तो जैसे ही हाई को ब्रेक करेगा वैसे ही हम लोग बाय इनिशिएट कर सकते हैं। कल इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हम बाय इनिशिएट कर सकते हैं। हमारा टारगेट होगा ये लेवल, जो कि जैसे हमने यहाँ पर बाय करा, यहाँ बाय करा, तो हमारा टारगेट ये हुआ 50% क्वांटिटी हम यहाँ एग्जिट कर देंगे और नेक्स्ट के लिए हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। तो 3 स्टॉक्स मैंने आपको बताया है डबल बॉटम के बारे में, तो ध्यान से इनको समझिएगा। पहले अपने चार्ट्स में ड्रॉ करके सेव कर लेना कि बाद में इन द फ्यूचर अगर आपको कोई और में ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है तो आपको पहले से ही पता हो। अब आते हैं नेक्स्ट स्टॉक, मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस को देखिएगा, इस पे भी एक सिमिलर पैटर्न है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले देखिएगा कि ये एक गैप था, इस गैप को इसने यहाँ पर फिल करा था, ठीक है, बस गैप को फिल करने आया, दोबारा ऊपर चला गया, वरना मैं ये मानूंगा ये सपोर्ट थे, ये सपोर्ट थे, ये भी सपोर्ट है, बस गैप को फिल करने आया, मैं इसको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दूंगा कि ये ब्रेकडाउन है, ठीक है। अब दोबारा मैंने जब ऊपर टॉप से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, देखिए सिंपल वे में समझा रहा हूँ ना, मैंने कोई पैटर्न्स बनाए कि मैं आपको बटरफ्लाई पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपके लिए वेज बना रहा हूँ, मैं फ्लैग एंड पोल बना रहा हूँ, सिंपल है, सिंपल आपको सिर्फ टॉप या रेजिस्टेंस से ही आपको सिखा रहा हूँ। ये इजी वे में समझोगे ना, डेफिनेटली आप मेरी तरीके से बन पाओगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, एक स्ट्रांग मूव, एक छोटा सा हॉल्ट करा, मैंने अभी आपको अल्ट्रा में भी बताया था, एक स्ट्रांग मूव के बाद हॉल्ट कर सकता है और अगले दिन ब्रेकआउट आ सकता है। यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, हॉल्ट करा और फिर ब्रेकआउट आ गया आज, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोग बाय इनिशिएट कर सकते हो इस पर्टिकुलर स्टॉक पे, अब मुथूट फाइनेंस पे, और मेरा 3 महीने के लिए मैंने इसे होल्ड करा है, और जो मेरा टारगेट आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 1350 का। तो अगर आप लोग बाय करना चाहते हो, मैंने टेलीग्राम पे भी इसे पोस्ट करा था, टेलीग्राम पे अगर आप मेरे ज्वाइन होना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप जाके ज्वाइन हो सकते हो, जो भी नए लोग हैं जो भी ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ इस पे, हाँ, तो अब यहाँ पर देखिएगा इस पे भी एक सिमिलर टाइप का पैटर्न था, ये स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, दोबारा नीचे आया, यहाँ पर अगर आप बाय बनाते तो आप मूवमेंट कैप्चर कर सकते थे, और ये अपने इस लेवल पे भी आ चुका है। बट और भी सिनेरियोस थे जो बता रहे थे इसके ऊपर जाने की भी इसकी प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ पर बाय के लिए सजेस्ट करा, ठीक है। तो ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जो आपको अपने आप चार्ट्स देखते देखते समझ में आने लग जाएंगे, ठीक है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं होता, आपको अपने आप पता लग जाएगा। ये स्टॉक मैंने कुछ और बेसिस में सिलेक्ट कर, इसमें कुछ पैटर्न नहीं बना ना कुछ बना है, बट मुझे एक चीज़ इसमें लगी जो मैं आपको दिखा देता हूँ, जो मुझे लगा कि यार ये स्टॉक अब ऊपर जा सकता है। इसके लिए मैं सिर्फ एक लाइन लगा रहा हूँ, उस लाइन को ध्यान से देखिएगा। देखिए मैंने बस एक ये वाली लाइन लगाई है, ये रेजिस्टेंस था, जब ब्रेक हुआ यहाँ सपोर्ट लिया और एक स्ट्रांग मूव आई है, ठीक है। अब दूसरी बार आ रहा है यहाँ पर सपोर्ट लेने के लिए और आज के दिन दोबारा एक स्ट्रांग मूव आई है, तो हो सकता है कि कल एक और मूवमेंट आ जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर, बट ज़्यादा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आगे भी एक रेजिस्टेंस है, वो भी मैं दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। अब आगे रेजिस्टेंस है, बट आगे का रेजिस्टेंस थोड़ा सा दूर है। अगर आप सोचें, देखिए ये रेजिस्टेंस था यहाँ, जब ब्रेकआउट दिया इस लेवल पे तो सपोर्ट लिया इधर, अब नीचे तोड़ चुका है, तो ये सब एक रेजिस्टेंस बन सकता है। बट अभी ट्रेड कितने पे कर रहा है? 3820 पे, और ये रेजिस्टेंस कहाँ पर है? 3960 पे, तो बहुत ज़्यादा दूर है, हो सकता है कल के कल ये अचीव भी हो जाए, ठीक है। तो इसको भी आप वॉच करके चल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा गिर चुका है स्टॉक, अच्छा है, तो आप लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। तो ये थे मेरे पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स, और मैं उसे अपलोड कर दूंगा 8:30 अराउंड उस लेवल पे अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की एनालिसिस, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल। मैं एज्यूम करूँगा जिस तरीके से मैंने आप लोगों से कल कहा था कि 500 लाइक्स आ जाएं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप लोगों ने 500 प्लस क्रॉस लाइक्स करे थे, तो डेफिनेटली अगर मैं 1000 के लिए आज लाइक एम रखूँगा तो आप लोग वो भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज 1000 का एम रखते हैं, हल्के हल्के हम एम बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों के लिए भी बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लगे कि आप लोग लाइक्स भी कर रहे हैं। नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक भी दबाइए, पर क्लिक करिए ज़रूर, ठीक है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और प्लीज़ हमें हेल्प करिए कि हम 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस भी करें, और बहुत जल्दी करें। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो पे, मैं शिवाज भसीन साइनिंग ऑफ, और वो वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा, 9:30 एग्जैक्ट अपलोड हो जाएगी, फायर्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो पर।